एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रिपिटल एक्सलरेशन, सपोज ये एज्यूम करते हैं कि कोई बॉडी किस में घूम रही है, ना सर्कल, ये लो, और इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है ऐसे ड्रॉ किया था, मान लो ये v1 वेक्टर है, मान लो ये अगले इंस्टेंट पर v2 वेक्टर है ऐसे, और ये क्या था डेल्टा v वेक्टर था, ऐसे किया था, ये रहा v1 वेक्टर, ये रहा आपका v2 वेक्टर, और ये रहा आपका डेल्टा v वेक्टर। डेल्टा v वेक्टर हमेशा कहां पॉइंट करेगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट। यहां तक हमने किया, और क्योंकि हमने डिस्कस किया कि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो क्या है, डेल्टा वी वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम, कि टी डेल्टा टी टाइम में वेलोसिटी ने डायरेक्शन को चेंज किया, और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा डेल्टा वी वेक्टर का मॉड डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ऐसे। तो क्लियर है यहां तक? तो ये सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हो गया। अब इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है। अब सपोज करो यहां पे इस इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू v1 वेक्टर है, ठीक, और अगले इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी वेक्टर v2 वेक्टर है, राइट। अब ये जो मैं बोल रहा हूं ना, दो इंस्टेंट है, v1 वेक्टर है फिर v2 वेक्टर है, इसका मतलब ये है कि ये दो पॉइंट्स डिफरेंट हैं। कैसे? जैसे मैं कार चला रहा हूं, बड़े सर्कल में घूम रहा हूं, कार चला रहा हूं, तो यहां से यहां v1 वेक्टर है, फिर डायरेक्शन चेंज हो गई, v2 वेक्टर है, तो ये v1 वेक्टर है, ये v2 वेक्टर है, तो दो पॉइंट्स डिफरेंट है। यहां से v1 वेक्टर स्टार्ट हुआ यहां तक, फिर यहां से v2 वेक्टर स्टार्ट हुआ, तो ये पहला पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है। तो यहां पर टेंजेंट ड्रॉ किया, इधर आया, यहां टेंजेंट ड्रॉ किया, इधर आया। अब इसके अंदर ये जो एंगल है, सपोज ये एंगल कितना है, डेल्टा थीटा है, तो ये याद रखना, अगर ये डेल्टा थीटा है तो ये एंगल भी एग्जैक्टली कितना है, डेल्टा थीटा ही है। आप कहेंगे कैसे? तो वो मैथमेटिकली तो नहीं करेंगे, थ्योरेटिकल दो लाइन में करेंगे। अगर डेल्टा थीटा जीरो कर दें, सेंटर पे एंगल डेल्टा थीटा जीरो कर दें, तो ये और ये पॉइंट एक हो गए, डेल्टा थीटा जीरो करने पे तो ये एक ही पॉइंट हो गया। इधर अगर डेल्टा थीटा जीरो करेंगे तो वेलोसिटी वेक्टर भी एक ही हो गया, यानी कि पॉइंट एक है तो वेलोसिटी भी एक है, सिंपल सिंपल। अगर डेल्टा थीटा जीरो करके देखो तो सही ना, तो ये और ये पॉइंट ओवरलैप करेंगे, और v1 v2 वेक्टर भी ओवरलैप करेगा, तो बिल्कुल सही है ना। डेल्टा थीटा को अगर हम जीरो करेंगे तो एक ही पॉइंट आएगा, और अगर दो अलग अलग पॉइंट लेने हैं तो डेल्टा थीटा यहां पर डिफरेंट लेना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक? इसके अंदर अब एक चीज ध्यान से देखना जो हमें आंसर देगी। सबसे पहली चीज इसमें यह देखना कि यह एक सेक्टर है, जैसे ये वेलोसिटीज का सेक्टर है, इसकी जो लेंथ है, अब इसको मैं अलग बना लेता हूं, जैसे ये v1 वेक्टर है, जैसे ये v2 वेक्टर है, और जैसे ये डेल्टा v वेक्टर है, मैंने अलग से बना लिया इन्हें, और अलग से बना के इसका मैग्नीट्यूड क्या है v1 वेक्टर का, v, इसका मैग्नीट्यूड क्या है v2 वेक्टर का, v, मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूँ, वेक्टर फॉर्म में तो डायरेक्शन डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है डेल्टा v, और इनके बीच में ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल बनाया मैंने अलग से, और इनके बीच में एंगल कितना है डेल्टा थीटा, कोई डाउट इसमें? इसके अंदर अगर इसमें सेक्टर की तरह ट्रीट करूं इसे, सेक्टर, सेक्टर में क्या होता है, एंगल इज आर्क अपॉन रेडियस, तो एंगल क्या है इसमें डेल्टा थीटा, आर्क क्या है इसमें डेल्टा वी, और रेडियस क्या है इसमें वी, वेक्टर का रेडियस आर थोड़ी ना होगा, इसमें वेक्टर का रेडियस तो वी होगा, क्योंकि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है वी, तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो यहां से डेल्टा वी की वैल्यू क्या आएगी, वी इंटू डेल्टा थीटा, पर हमने ये किया था v क्या होता है r into omega, अगर मान लो रेडियस सर्कल का r है, r omega into delta theta, और हमने ये भी किया था कि जो omega होता है वो क्या होता है delta theta divided by delta t, तो delta theta क्या आएगा omega into delta t, ये लो, तो delta theta की जगह मैं पुट करने वाला हूं क्या, omega into delta t, तो delta v के नीचे delta t ले आओ, तो क्या बचेगा r इंटू ओमेगा का स्क्वायर। अब डेल्टा v क्या है, वेलोसिटी चेंज टुवर्ड्स सेंटर, डेल्टा v बाय डेल्टा t क्या है, एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर, और इस एक्सेलरेशन का नाम क्या है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। तो ये लो, ये आपके पास
फॉर्मूला बन गया सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन का. फॉर्मूला बुकलेट में नोट करो, फॉर्मूला फॉर सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, तो यहां पे सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला आर ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, तो एक और फॉर्मूला नोट करते हैं. पहला फॉर्मूला हमने नोट किया कि सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला आर इंटू ओमेगा का स्क्वायर. अब हमें पता है कि जो वी होता है वो किसके इक्वल होता है, आर इंटू ओमेगा. तो ओमेगा क्या होता है, वी डिवाइडेड बाय आर. तो यहां पे ओमेगा की जगह क्या पुट करेंगे, वी डिवाइडेड बाय आर का होल स्क्वायर. तो यहां पर क्या आएगा, आर इंटू वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. तो क्या बनेगा, वी स्क्वायर बाय आर. तो दूसरा फॉर्मूला नोट करें, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का दूसरा फॉर्मूला वी स्क्वायर बाय आर. तो ये पहला फॉर्मूला और ये दूसरा फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला यूज किया जा सकता है सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन का. किसी न्यूमेरिकल में अगर ओमेगा गिवन है तो आर ओमेगा स्क्वायर से आएगा, किसी फॉर्मूला में अगर वी गिवन है तो वी स्क्वायर बाय आर से आंसर आएगा. क्या ये पॉइंट क्लियर है, डिपेंड करता है ना, क्वेश्चन पूछने वाला अगर वी की फॉर्म में पूछ रहा है तो वी की फॉर्म में आंसर देंगे, ओमेगा की फॉर्म में पूछ रहा है ओमेगा की फॉर्म में आंसर देंगे. क्वेश्चन देख के डिसाइड करेंगे, आंसर दोनों से सेम आएगा. ठीक, एक चीज और नोट करो कि सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला, सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, मास इनटू सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन. तो सेंट्रिपिटल फोर्स का पहला फॉर्मूला सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन आर ओमेगा स्क्वायर के पहला फॉर्मूला, या फिर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन अगर दूसरा फॉर्मूला यूज करें तो एम वी स्क्वायर बाय आर, ये दूसरा फॉर्मूला. दोनों में से कोई भी यूज करेंगे आंसर सेम आएगा, तो इसे प्लीज नोट कर लें. सेंट्रिपिटल फोर्स अगर एग्जिस्ट करती है किसी बॉडी के पास, अगर सेंट्रिपिटल फोर्स है तो इसका मतलब वो बॉडी किस में घूमेगी, इन अ सर्कल. तो सेंट्रिपिटल फोर्स बॉडी को सर्कल में घुमाती है. और क्वेश्चन ये है कि अगर किसी के पास, बॉडी के पास सेंट्रिपिटल फोर्स है, क्या उस बॉडी की वेलोसिटी चेंज होगी, मींस मैग्नीट्यूड में चेंज होगी. क्या सेंट्रिपिटल फोर्स मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी चेंज कर सकती है, कर सकती है. ज्यादा फोर्स ज्यादा वेलोसिटी, कम फोर्स कम वेलोसिटी. हाँ सही है, अगर फोर्स ज्यादा करोगे हाँ ज्यादा करेगी. पर मैं कह रहा हूं अगर फोर्स कांस्टेंट है, सेंट्रिपिटल फोर्स 10 न्यूटन लगा दी, पर क्योंकि फोर्स है तो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है फिर तो आपको बोलना चाहिए कि वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो रही है, इंक्रीज भी तो हो सकती है. तो क्या वेलोसिटी बढ़ेगी, हाँ या ना, बढ़नी चाहिए. अच्छा, सेंट्रिपिटल फोर्स कौन सी एक्सेलरेशन देगी आपको, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन. सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कहां एड करती है, टुवर्ड्स सेंटर. और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन आज हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ लेक्चर में यही किया, इज रिस्पॉन्सिबल सिर्फ डायरेक्शन के लिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को ये चेंज नहीं करती. तो जब सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करती तो फिर सेंट्रिपिटल फोर्स भी चेंज नहीं करती. कोई डाउट इसमें,
समझ में आ रहा है? फॉर अ गिवन सेंट्रीपिटल फोर्स अगर चेंज नहीं की जाएगी तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होगा, कोई डाउट? ठीक है,